सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कल का इंतखाब रेफरेंडम था। लाहौर के आवाम ने माजी के करप्ट हुक्मरानों से निजात हासिल कर ली, अब लाहौर और पंजाब शरीफ बरादरान का नहीं रहा। पिछले 10 सालों से तसलसल के साथ उस हलके में शहबाज शरीफ भी रहे, ख्वाजा साद रफीक भी रहे, लेकिन लाहौर के आवाम ने माजी के इन करप्ट हुक्मरानों से निजात का फैसला कर लिया और उन्हें शिकस्त से अमकनार होना पड़ा। मियां महमूद रशीद ने अपने अपोजिशन सियासी हरीफों को खूब आड़े हाथों लिया, कहा नून लीग को ख्वाजा साद रफीक की सीट पर नाज था, चित हो गई, इन्हें अपनी शिकस्त पर करप्शन से तौबा तायब करना चाहिए, अब 20 साल के लिए पंजाब की कुंजी PTI के पास होगी। शरीफ बरादरान, ख्वाजा बरादरान और मुस्लिम लीग नून को अब देश निकाला मिल के रहेगा, ये उसका नुकता आगाज है। आइंदा आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी PTI इंशाल्लाह तारीखी फतह हासिल करेगी और लाहौर शहर की कुंजी अब आइंदा 20 साल के लिए इंशाल्लाह ये PTI के पास रहेगी। मियां महमूद रशीद का मजीद कहना था कि PAC चेयरमैन के इंतखाब का फैसला आइंदा चंद रोज में करेंगे, इस पर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत जारी है। कैमरा टीम के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़।